तो राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव की राह फिर से खुल गई है। बीसीसीआई ने टीएस कृष्णमूर्ति की जगह अब राजस्थान कैडर के पूर्व आईएएस विनोद जुच्छी को नया चुनाव अधिकारी बना दिया है और अब जुच्छी के देखरेख में ही आरसी के चुनाव होंगे। सीपी जोशी ग्रुप ने जुच्छी का नाम प्रस्तावित किया था, जिस पर सीओए ने मुहर लगा दी। फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए जुच्छी ने कहा कि वे जल्द ही नया कार्यक्रम जारी कर देंगे और इसको लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिन से ठप पड़ी आरसीए की चुनाव प्रक्रिया एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। चुनाव अधिकारी टीएस कृष्णमूर्ति और उनके सहायक केजे राव चुनाव प्रक्रिया को बीच में छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से चुनाव पर संकट के बादल गहरा गए थे। लेकिन अब नए चुनाव अधिकारी के रूप में विनोद जुत्सी की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही चुनाव के लिए रिटायर्ड आईपीएस अशोक भंडारी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब जुत्सी जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी करेंगे। वहीं आरसीए को 4 अक्टूबर तक चुनाव कराने होंगे, क्योंकि सभी राज्य संघों के चुनाव की डेडलाइन 28 सितंबर से बढ़ाकर 4 अक्टूबर तक कर दी गई है। बीसीसीआई के चुनाव भी अब 22 अक्टूबर की बजाय 23 अक्टूबर को होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रहे विनोद जुत्सी 2015 से 2017 तक भारत सरकार के पर्यटन विभाग में सचिव रहे हैं। ये भारतीय चुनाव आयोग में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका भी निभा चुके हैं। वो राजस्थान में मुख्य चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं। विनोद जुत्सी राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर 35 साल सेवा दे चुके हैं। फिलहाल वो कंसल्टेंट और एडवाइजर फर्म का संचालन कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति के चले जाने के बाद सीपी जोशी ने विनोद जुत्सी के रूप में नया नाम सीओए और रजिस्ट्रार सहकारिता को प्रस्तावित किया था। अब चुनाव से पहले सीपी जोशी गुट की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं अब दोनों ही ग्रुप के बीच जिला सचिवों की बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। सीपी ग्रुप ने अपने समर्थक जिला संघों को सवाई माधोपुर के एक रिसोर्ट में ठहरा रखा है, तो विपक्षी ग्रुप ने जयपुर में ही अलग अलग जगह जिला सचिवों को रखा है। इस बीच एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जिला सचिव के जाने की चर्चा भी चलती रही। सीपी ग्रुप ने दावा किया कि मोदी ग्रुप से 3-4 जिला सचिव उनके समर्थन में आ गए हैं, लेकिन मोदी गुट ने इसका खंडन किया है और कहा कि उनका पूरा ग्रुप एक साथ है। वैसे मौजूदा परिस्थितियों में वैभव गहलोत का पलड़ा भारी माना जा रहा है और कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं आई तो वैभव गहलोत का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि पूरे पैनल को लेकर अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। सीपी ग्रुप में महेंद्र शर्मा और महेंद्र नाहर सचिव पद के दावेदार हैं। वहीं भाजपा नेता अमीन पठान, चूरू के सुशील शर्मा भी पद के दावेदारों में शामिल हो गए हैं। हालांकि मोदी गुट की तरफ से अभी पैनल तय नहीं हो सका है। सोमेंद्र तिवाड़ी, पिंकेश जैन, ऐश्वर्य सिंह दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के फाइनल होने के बाद ही आरसीए चुनाव की तस्वीर साफ हो सकेगी। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।